हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इफ़ यू आर अ मेकअप लवर और अ स्किन केयर लवर तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक अंडर रेटेड काइंड ऑफ स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स जिनको एक हाइप की डेफिनेटली ज़रूरत है। एंड इफ यू आर स्टिल मिसिंग विद दोज प्रोडक्ट्स यू शुड बाय इट। इट विल चेंज योर मेकअप एंड स्किन केयर रूटीन लाइक कंप्लीटली। सो येस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट है जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि लेना चाहिए बट हम नहीं लेते हैं, हमें ट्रस्ट नहीं रहता है या जो भी, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विच इज अ स्पॉट पैच। ये मैंने नाइका से लिया था एंड ट्रस्ट मी, जब भी आपके कोई पिंपल्स आ जाते हैं हमारी टेंडेंसी होती है उसके पोक करने की, उसको ऐसे छूने की। तो दिस पैच, स्पॉट पैच इज अ रेमेडी फॉर दैट। अगर आपके कहीं पे भी पिंपल आए हैं आपको क्या करना है उसको बस इसमें से, सी यू कैन सी मैंने कितना सारा यूज भी कर लिया है, आपको उसमें से एक पैच निकालना है, उस पिंपल पर रखना है, ओवरनाइट रखिए, मॉर्निंग तक आपका वो जो स्पॉट है या जो पिंपल है वो काफी हद तक रिड्यूस जाएगा। बट इन केस दिन में आपको यूज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको यूज कीजिए, उस पर मेकअप लाइक यू, पता भी नहीं चलेगा कि आपने एक स्पॉट पैच लगा रखा है। इट इज सो ट्रांसपेरेंट, ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहता है। सो this is good for makeup as well as for your skincare routine. If you have not purchased it yet, ये बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है, मैंने नायका का लिया था, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये बहुत जरूरी है आपके स्किन केयर इवन लाइक मेकअप में। नाउ माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू बाय लॉट्स ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स लेकिन उसको टाइमली आप यूज नहीं करते हैं, लाइक जो जेल हमारे काजल आते हैं या आई शेड होते हैं, हमें डिफरेंट लुक चाहिए होता है, डिफरेंट कलर के आई लाइनर्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमारा वो सूख जाता है आई लाइनर मस्कारा, देन वॉट यू शुड यूज इन ग्लॉड्यूरा लाइन यू शुड परचेज। इसमें अगर आप एक ड्रॉप उसमें मिलाएंगे आपके प्रोडक्ट को लिटरली एक नया बना देगा। आप जो जेल आईलाइनर है, मैंने पर्सनली, मेरे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं जो सूख जाते हैं, जो टाइमली मैं उनको यूज नहीं करती हूँ और वो एक टाइम के बाद सूख जाते हैं या मैंने बाहर छोड़ दिया और वो सूख गए, तो उसके लिए मैं इसको मिक्स करती हूँ और ये उसको एकदम नया बना देता है। वो इतना ही स्मूथ रहता है जैसे नया हो। प्लस आपके जो भी आई शेडो होते हैं उनमें अगर आप ये मिक्स करेंगे तो डिफरेंट कलर के आप आईलाइनर्स भी यूज कर सकते हैं विदाउट परचेजिंग न्यू आईलाइनर्स और जो भी आजकल चलते हैं। बट दिस कॉस्ट इज लिटिल एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आप मेकअप लवर हैं या आप मेकअप लवर नहीं भी हैं लेकिन प्रोडक्ट खरीदने हैं और वो फिर ऐसे खराब हो जाते हैं, देन यू शुड इन्वेस्ट ऑन दिस एंड इट विल मेक योर प्रोडक्ट अगैन लाइक उसको दोबारा से नया बना देगा। तो माई सेकेंड प्रोडक्ट इज इन ग्लॉड्यूरा लाइन। माई थर्ड प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत लोग आजकल इसके बारे में रिव्यू कर रहे हैं और हम लगता है कि ये काम करेगा नहीं करेगा। सो बहुत टाइम पे हमारा क्या होता है, हम मेकअप करते हैं, बाहर जाते हैं, पसीना होता है, स्किन ऑयली जाता है, जिससे हमारा एक शाइनी यहाँ यहाँ पर नजर आने लगता है। फॉर दैट दिस इज मिलाग्रो ब्यूटी का मैंने ये परचेस किया था, जिसमें कि आप जहां पर भी आपके ऑयलीनेस आती है आप उसको वहां पर अप्लाई कीजिए और वो उसको पूरा सोक कर लेगा और वापस से आपका मेकअप रिफ्रेश कर देगा। यू कैन यूज इट लाइक, इसको यूज करना कैरी करना उतना ही ईजी है, जैसे इसमें कैप आता है आप ऐसे रखिए और यू कैन यूज इट। मैंने ये मिलाग्रो का लिया था बट आप किसी भी ब्रांड के ये रोलर्स आते हैं, मेन इंपॉर्टेंट थिंग दिस स्टोन, ये स्टोन जो होता है इसमें सोकिंग इफेक्ट होता है, तो इसको आप रोल करेंगे तो वो सोक कर लेगा, अ मस्ट टू हैव। और बाहर जा रहे हैं तो उसको कैरी करना, मैं हमेशा इसको कैरी करती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ तो कैरी जरूर करती हूँ, कि ये आपके मेकअप को वापस से नया और फ्रेश बनाने में बहुत हेल्प करता है विदाउट अप्लाइंग मोर प्रोडक्ट्स ऑन योर फेस। प्रोडक्ट इज फॉर स्किन केयर। हमें फेस योगा के बारे में पता है, हमें पता है कि फेस मसाज कितना जरूरी होता है ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव रखने के लिए कितना जरूरी होता है, तो हम यूजुअली अपने हाथों से मसाज करते हैं, बट हम हाथों से जब मसाज करते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती है वो कम होती है। सो उसके लिए है बेस्ट, आप इस टाइप का एक वाइब्रेटर आता है, इसको यहाँ पर सेल इस यहाँ से लगता है और यहीं से ये स्विच ऑन भी होता है,
यू कैन सी द वाइब्रेशन. सो इसमें इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ज्यादा होते हैं कि आपको कम टाइम में इसको बस इस तरीके से करिए, फेस योगा बहुत अच्छे से हो जाएगा. और जितने भी रिंकल्स और आपको फेस लिफ्ट अगर चाहिए, इसको रेगुलर यूज करिए एंड यू कैन सी द डिफरेंस इमीडिएटली. ऑन टू माई लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट जो हम सबको जरूरी होता है, चाहे हम घर पर हो, चाहे हम बाहर हो, चाहे विंटर्स ही क्यों ना हो, हम सबको जरूरी होता है एक बेस्ट सनस्क्रीन. हमें पता है कि हम सनस्क्रीन लगाते हैं सनस्क्रीन. सो आप ये सोचेंगे सनस्क्रीन में कौन सा ऐसा अंडररेटेड है, दिस इज तो वेल नोन कि सबको पता है सनस्क्रीन लगाना जरूरी होता है और हम लगाते हैं. बट जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सनस्क्रीन का इफेक्ट केवल 2 आवर्स तक ही रहता है, आप कोई भी सनस्क्रीन लगाइए उसके बाद आपको रीएप्लीकेशन की जरूरत होती है. सो रीएप्लीकेशन क्रीम को मेकअप के ऊपर लगाएंगे तो कैसा रहेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. सो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है आजकल सनस्क्रीन स्प्रे आया हुआ है. आई यूज रियो हर्ब्स का सनस्क्रीन जिसको मैं मेकअप के ऊपर भी स्प्रे करती हूँ एंड दिस विल लॉन्ग लास्ट और मुझे वापस से क्रीम बेस की जरूरत नहीं होती है. एंड यू कैन सी मेरा सनस्क्रीन पूरे अच्छे से स्प्रेड हो गया है, कोई भी मेकअप मुझे लाइक इधर उधर भी मेरा नहीं हुआ है. सो दिस वॉज माई लास्ट एंड बेस्ट प्रोडक्ट. एक साथ ये वीडियो एंड होता है, डू लेट मी नो कि इसमें से आपको सबसे ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा लगा, किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम आई डी इज womania_diaries. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय.